नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज संसदीय विशेषाधिकार पर चर्चा करेंगे। संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो संसद के सदस्यों को और सांसदों को मिलते हैं, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में आपको ये पता होना चाहिए कि ये वे विशेष अधिकार हैं, वे एक्सेप्शंस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, वे अपवाद हैं, वे छूट हैं जो संसद के दोनों सदनों को और जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त करना संसद और संसदीय समितियों के साथ साथ संसद एज अ होल को भी ये संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अधिकार दिए क्यों जा रहे हैं, क्यों इनको विशेष अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि इससे संसद इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके, इससे संसद एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर सके जिससे उसके कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न ना होती हो, ठीक है। और ये जो अधिकार हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे हाउस को भी मिलेंगे और साथ ही साथ उनके मेंबर्स को भी मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में, संवैधानिक जो स्थिति है उसके बारे में, ठीक है। तो संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो जो ये प्रोविजंस हैं इसके बारे में अनुच्छेद 105 संविधान में जो है वो सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अबाउट द यूनियन पार्लियामेंट है। एक अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है जो केंद्रीय संसद के बारे में है, और ऐसे ही विशेषाधिकार अनुच्छेद 154 में राज्य की विधायिकाओं को उपलब्ध कराए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194, ठीक है। और जब भी कभी इन विशेष अधिकारों का हनन होता है या उनका पालन नहीं हो सकता है तो हम ये कहते उसके लिए टेक्निकली क्या कहा जाता है, इट इज़ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इसको विशेषाधिकारों का हनन कहा जाएगा और इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को संसद के द्वारा बनाए गए कानून द्वारा सजा दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ इसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, कुछ विशेष स्थितियां भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा में विशेषाधिकार को लेकर के रूल नंबर 222 है जो चैप्टर नंबर 20 में है, और साथ ही साथ राज्यसभा की रूल बुक में रूल नंबर 187 है जो चैप्टर नंबर 16 में दिया गया है। इनमें गवर्न किया गया है प्रिविलेजेस को, इसमें विशेषाधिकारों के बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से विशेषाधिकार और कौन कौन से विशेषाधिकारों के संरक्षण के क्या क्या प्रावधान होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि वे विशेषाधिकार जो संसद को पूरे के पूरे मिले हुए हैं और वे विशेषाधिकार जो उनके सदस्यों को मिले हुए हैं, ठीक है। तो जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उनके अब हम इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि क्या अधिकार मिले हुए हैं सांसदों को और क्या अधिकार मिले हुए हैं संसद को एज अ होल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के ग्रुप में यानी कि पूरी पार्लियामेंट के मेंबर्स को कलेक्टिवली क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो अधिकार मिला हुआ है वो कि किसी भी संसद सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है ना, उसको लीगल प्रोसीजर में, लीगल प्रोसेस में नहीं अरेस्ट किया जा सकता या उसके खिलाफ लीगल जो मैटर है, जो लीगल मामला है वो नहीं चलाया जा सकता यदि वो संसद परिषद के अंदर है। तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक उस सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसकी परमिशन ना दे, यानी कि कोई भी सदन का सदस्य है या कोई भी बाहरी है जो सदन की परिसीमा के अंदर आ गया है उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसेस तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस उसके लिए परमिट ना करे, उसके लिए परमिशन ना दे, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी न्यायालय को ये अधिकार नहीं होगा कि वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं या उसकी जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं उनकी प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके, यानी संसदीय प्रक्रिया द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी इज़ इम्यून टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है।
यहाँ तक कि पार्लियामेंट को ये भी अधिकार है कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रोसीडिंग के समय बाहर निकाल सके, जो संसद सदस्य नहीं हैं उन्हें संसदीय प्रक्रिया से बाहर रख सके, और यहाँ तक कि अगर वह चाहे तो सीक्रेट मीटिंग, यानी कि जिस मीटिंग के बारे में किसी को जानकारी ना दी जाए, वो भी बुला सकती है पार्लियामेंट अगर चाहे, ये उसके पास विशेषाधिकार है। ठीक है, यहाँ तक कि एक और जो जॉइंट पावर है, जो कलेक्टिव पावर ऑफ पार्लियामेंट है, वो यह है कि वह अपने मेंबर्स को और बाहरी व्यक्तियों को भी, चाहे वो पार्लियामेंट का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या आउटसाइडर हो, उन पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का मामला अगर बनता है तो उनसे, उनके लिए सजा का प्रावधान कर सकती है, और अगर वो मेंबर्स हैं तो उनका सस्पेंशन कर सकती है, उनका एक्सपल्सन कर सकती है, उनको संसदीय प्रक्रिया से सस्पेंड कर सकती है या उन्हें संसदीय प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या हैं संसद के, व्यक्तिगत जो सांसदों यानी कि इंडिविजुअल मेंबर्स के क्या अधिकार हैं, सांसद होने पर क्या अधिकार हैं, यदि कोई व्यक्ति सांसद है तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जब भी संसद का सदन चल रहा हो उस समय किसी भी न्यायालय में उसे किसी भी प्रकार की न्यायिक सेवा से वंचित रखा जाता है, किसी भी प्रकार की जुडिशियल सर्विस की एक्सपेक्टेशन उससे नहीं की जाती है, यानी कि ना तो वो कोर्ट में अपीयर होने के लिए बाध्य है, ना गवाही देने के लिए बाध्य है, ना सबूत के तौर पर पेश होने के लिए बाध्य है। जब भी संसद का सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उस सत्र के दौरान उसे न्यायिक सेवाओं से यानी जुडिशियल सर्विसेज से फ्रीडम प्राप्त होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब भी सेशन चलने की अनाउंसमेंट होता है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रिविलेज जो है, अरेस्ट ना होने वाला प्रिविलेज जो है, वो केवल सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्रिमिनल केसेस में उसको गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगले मुद्दे पर आते हैं, इसमें जो कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हो गए हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो मैटर है वो है एक सेकंड, इसकी सेटिंग में कुछ इशू है। हाँ जी, अगला जो मैटर है, अगला जो राइट है इनका, वो यह है कि वह किसी भी कोर्ट के सामने जो भी उसने पार्लियामेंट में या कमिटीज़ में वोटिंग करी है या कुछ भी कहा है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि ही हैज़ नो लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनी थिंग सेड और एनी वोट बाई हिम इन द पार्लियामेंट और अंडर इन हिज कमिटीज़, यानी कि उसने संसद में अगर किसी चीज़ पर मतदान किया है या संसदीय समिति में किसी चीज़ पर मतदान किया है तो उसके बारे में वो कोर्ट को किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं रखता है। इसके बाद आखिरी महत्वपूर्ण अधिकार सांसदों को प्राप्त जो है व्यक्तिगत तौर पर, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि जो सांसद हैं उनको बहुत ही एक्सटेंडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की पावर मिली होती है संसद के अंदर, संसदीय प्रक्रियाओं के अंदर। ठीक है, वे संसदीय प्रक्रियाओं के दौरान कुछ भी बोल सुन या कह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वे इस मामले में किसी भी मामले में कुछ भी राय रखते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि वे न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेंगे, न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ भी कहने यानी कि जज के बारे में या जज के कंडक्ट के बारे में कुछ भी कहने की केवल एक शर्त है कि वो ऐसा इस परिस्थिति में ही कह सकते हैं जब न्यायाधीश पर महाभियोग यानी कि उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को समझ लीजिए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या होते हैं यानी विशेषाधिकार हनन का क्या मतलब होता है। जब भी किसी भी सांसद द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा संसद के विशेषाधिकारों का हनन किया जाता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाएगा, उसे विशेषाधिकार हनन कहा जाएगा। ठीक है, और इसके कई सारे असर और कई सारे प्रभाव होंगे और इसके परिणामस्वरूप
संसद यदि चाहे तो वह उस व्यक्ति को दंडित कर सकती है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर कोई भी न्यूज़ आइटम, एडिटोरियल, स्टेटमेंट आदि जो कुछ भी आपने बोला और वो संसद की गरिमा को गिराता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंतर्गत माना जा सकता है। संसदीय पटल पर संसद की गरिमा का अपमान करते हुए यदि आपने कोई चीज़ करी है तो भी वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंतर्गत आएगा, चाहे आप मंत्री हों, सांसद हों या प्रधानमंत्री हों। ठीक है, आपने पिछले कुछ समयों में देखा होगा कि लोगों ने जैसे विपक्ष के नेता ने कुछ बोला तो उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला लाया गया। तो हमेशा कोशिश ये कही जाती है कि आप संसदीय गरिमा का, उनकी ऐसी जो भी आप बोल रहे हैं संसद के पटल पर उसकी सच्चाई का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, जो भी प्रिविलेज का मामला होता है, जो भी विशेषाधिकार का मामला होता है, उस विशेषाधिकार के मामले के लिए संसद में समिति बनाई जाती है। ठीक है, तो प्रिविलेज कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो लोकसभा होती है वहाँ पर स्पीकर 15 सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैं, विशेषाधिकार समिति का गठन करते हैं, जिसमें प्रत्येक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन उनके लोकसभा में प्रोपोर्शन के अनुरूप होता है। ठीक है, तो जितना जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का 70% सांसद है तो उसका कमेटी में 70% रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनली रखा जाता है उसके मेंबर्स के नंबर को। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट जो है जब वो कमेटी जांच कर लेगी उस आरोप की तो उसके बाद उस रिपोर्ट को वो हाउस के सामने रखेगी, संसद के सामने रखेगी। ठीक है, और इसके लिए या जब भी कभी ऐसी रिपोर्ट रखी जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष आधे घंटे की बहस रख सकते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भी रिपोर्ट आई है उस पर बहस के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष चर्चा करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उसे टेबल पर रखेंगे। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जो प्रिविलेज कमेटी है वही डिसाइड करती है कि क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के बारे में भी जान लीजिए। राज्यसभा में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, जो प्रिविलेज कमेटी होती है उस कमेटी में 10 सदस्य होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं और बाकी प्रक्रिया सेम होगी। उसका गठन राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर करेंगे यानी कि उपसभापति करेंगे। ठीक है, और उपसभापति उसके अध्यक्ष भी होंगे, उसका गठन जो है राज्यसभा के सभापति करेंगे और उपसभापति उस प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ उस समिति में 10 सदस्य होंगे। उसी प्रक्रिया के अनुसार जैसा लोकसभा में होता है ये अपनी रिपोर्ट रखेंगे पटल पर सदन के और राज्यसभा के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि आगे की कार्यवाही क्या होगी। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में प्रिविलेज क्या है, जॉइंट कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लेकर के क्या आर्टिकल्स हैं और किस प्रकार से प्रिविलेज कमेटी का गठन किया जाता है, ये वे टॉपिक्स थे जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे के टॉपिक हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।